dear students in this module we are going to talk about two different aspects of socialization process the primary and secondary primary socialization refers to the initial process of socialization which typically occurs during childhood within the family unit so it's a it produces a kind of basic structure or the foundation for building blocks of सोशलाइजेशन विच बिकम्स और विच इज़ अवेलेबल इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन रिफर्स टू द लेटर स्टेजज ऑफ सोशलाइजेशन विच टिपिकली अकर्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली यूनिट बच्चा जब पैदा होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले उसकी फैमिली जो है उसको सोशलाइज करती है उसको जुबान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको जुबान सिखाई जाती है उसको बोलना खाना पीना चलना ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर सिखाई जाती हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसकी सोशलाइजेशन में हिस्सा लेना शुरू हो जाते हैं जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड है बच्चा अपना पीयर ग्रुप बनाता है अपने फ्रेंडशिप सर्कल बनाता है उसके साथ साथ वो अपने पीयर ग्रुप में आता है फिर जब वो स्कूल जाना शुरू होता है तो स्कूल के अंदर जो उसका एजुकेशन प्रोसेस है उसमें टीचर्स हैं या उसके जो फेलो फैलोबींग्स हैं वो भी उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं इसके साथ साथ आज के दौर में जब देखा जाए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चा जो है वो वेरी अर्ली स्टेज के ऊपर मीडिया से भी कनेक्ट हो जाता है तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी सोशलाइजेशन में तो प्राइमरी और सोशल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स आज की दुनिया के अंदर थोड़े मिक्सअप हो जाते हैं हमें हम एक्सक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली ही उसका एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि लामोहाल या अनकॉन्शियसली जब उसका बच्चे का मीडिया या सोशल मीडिया से कांटेक्ट होता है तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए एब्जॉर्ब कर रहा होता है बल्कि उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं या बहुत सी स्किल्स जो हैं वो लर्न कर रहा होता है हाँ ये बात क्वेश्चनेबल है कि क्या उसकी ये लर्निंग जो है ये पॉजिटिव सोशलाइजेशन कंसीडर होगी या नेगेटिव सोशलाइजेशन कंसीडर होगी इन पाकिस्तान प्राइमरी सोशलाइजेशन इज ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय द फैमिली एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस वाइल द सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज़ इंक्रीजिंगली शेप बाय द एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मीडिया तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका मीडिया एक्सपोजर भी बढ़ता जाता है टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर भी बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी जो है वो होती रहती है लेकिन प्राइमरीली स्पीकिंग जो एक फाउंडेशनल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंसीडर होता है पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर वो आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन है और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है वो बच्चे के अंदर कैसे इंकलकेट की जाती है द स्टडी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वेज़ इन विच कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड एंड री तो ये सोशलाइजेशन का जो सेंट्रल फोकस होता है वो बच्चे को वो बुनियादी नॉर्म्स और वैल्यू सिखाना होता है जिसकी मदद से वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो है वो मूव ऑन कर सकता है सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस आवर सेंस ऑफ सेल्फ आवर एटीट्यूड्स एंड आवर बिहेवियर्स तो आपकी जो सोशल सेल्फ बनती है द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट हु यू आर इसमें एक फंडामेंटल रोल जो होता है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का होता है लेटर ऑन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं जैसे कि आपका पीयर ग्रुप है वो आपके लिए सेंट्रल फोकस बन जाता है दैट हाउ यू अपीयर अबाउ टू अदर्स आपकी जो लुक हैं आप कैसे दिखते हैं दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं किस तरह के ओपिनियन रखते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर मैटर करना शुरू हो जाती हैं सो सोशलाइजेशन कैन री इनफोर्स द सोशल इनवालिटीज़ एंड प्रपैचुएट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट से जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि आपके लिए जो फ्रस्ट्रेस हैं बाज़ात वो बढ़ती जाती हैं प्रजडिस बढ़ जाते हैं डिस्क्रमिनीशन बढ़ जाती है क्योंकि जब आप अपने आप को एक लार्जर कॉन्टेक्स के अंदर देखना शुरू होते हैं तो वो चीज़ें आपकी अपनी सेल्फ के ऊपर अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं तो इन अ नटेशल दीज टू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विच आर इम्पॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोशियोलॉजिस्ट